Assalamualaikum, welcome to Indo-Pak family. Ladies and gentlemen, today we will discuss about the globe. Globe, हम ग्लोब को 360 डिग्री ले रहे हैं. 360 डिग्री को फिर हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं और इसको हम जीरो डिग्री से स्टार्ट करते हैं. इसको कहते हैं इक्वेटर. यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ जब हम नॉर्थ फेस की तरफ जाएं तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और यहाँ इक्वेटर से लेकर जब हम साउथ की तरफ आते हैं तो ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर. यहाँ जीरो से लेकर यहाँ पोल तक, इसको सदर्न पोल कहते हैं. यहाँ जो हमारे पास एरिया है ये 90 डिग्री है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया हमारे पास ये भी 90 है, तो ये इक्वल हो गया 180 डिग्री का. इसी तरह इक्वेटर से लेकर यहाँ ऊपर नॉर्थ तरफ जब हम जाएं तो ये 90 और यहाँ से ये 90, तो 90 90 180 डिग्री. तो 180 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 180 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये हमारे पास सर्कल जो है वो 360 के बराबर हो गया. अब इक्वेटर जो है, इक्वेटर से ऊपर यहाँ पर एक लाइन जाता है, इसको हम कहते हैं, ये 20 डिग्री पे जाता है और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं, इसको खत सरतान कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. ये 20 डिग्री है, तो ये यहाँ से लेकर जीरो से लेकर इक्वेटर से लेकर यहाँ 20 डिग्री तक ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसको यहाँ से इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. इस रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. और इसी तरह डाउन द इक्वेटर साउथ की तरफ भी हम जब ये जो एरिया लेते हैं 20 डिग्री पे साउथ की तरफ, ये भी हमारे पास 20 डिग्री है और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम इसको कहते हैं. और ये भी जो रीजन है साउथ की तरफ, इसको भी हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. तो इक्वेटर से 20 डिग्री अप एंड 20 डिग्री डाउन जो रीजन हमारे पास आता है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. और इसी रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं. फिर उसके बाद राउंड अबाउट जो 40 डिग्री पे हम अगर मेजरमेंट लेते हैं, तो इसके बीच में जो जस्ट अबाव द ट्रॉपिकल रीजन, इस जोन को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन. सब ट्रॉपिकल जोन हम इसको कहते हैं. और जो सब ट्रॉपिकल जोन है, ये दोनों साइडों पे ये सब ट्रॉपिकल जोन है, साउथ की तरफ भी और नॉर्थ की तरफ भी सब ट्रॉपिकल जोन. लेकिन जो सब ट्रॉपिकल जोन है 40 डिग्री पे हम जिसको लेते हैं दोनों साइडों पे, थोड़ा सा ऊपर जब अगर हम तकरीबन 60 तक हम जाते हैं, 60 तक डिग्री तक दोनों साइडों पे, तो फिर इस सब ट्रॉपिकल जोन को और 60 डिग्री जो है ये तमाम एरिया को ट्रॉपिकल मिला के, इसको फिर हम कहते हैं टेम्परेट रीजन या टेम्परेट जोन. तो हम टेम्परेट रीजन या टेम्परेट जोन कहते हैं दोनों साइडों पे. और इसके बाद यहाँ से लेकर 90 तक जो रीजन हमारे पास बचता है, इस रीजन को हम कहते हैं पोलर रीजन. दोनों साइडों पे ये पोलर रीजन हो गया. अभी याद रखें कि जो रीजन हमारे पास है ये दो किस्म के होते हैं. एक को हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल है तो हम कहते हैं मॉइस्ट ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पर मूनसून बारिशें होती है, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, वो मॉइस्ट एरिया होता है, वो लश ग्रीन वेजिटेशन वहाँ पर होती है, तो उसको हम कहते हैं मॉइस्ट ट्रॉपिकल जोन या मॉइस्ट एरिया या मॉइस्ट टेम्परेट. और जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, एरिड जोन होता है या सेमी एरिड जोन होता है, उसको हम कहते हैं ड्राई टेम्परेट जोन, ड्राई ट्रॉपिकल जोन इस तरह. और हमेशा याद रखें कि जो पोलर रीजन हमारे पास होगा ऑलमोस्ट, ये जो हाइड्रेट रीजन है, नॉर्दर्न रीजन हमारे पास, इस तरह पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान सब ट्रॉपिक्स में आता है. तो ये पाकिस्तान 23 हाफ से लेकर
37 हाफ नॉर्थ लेटिट्यूड में सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। इसीलिए जो इक्वेटर के करीब यानी सब ट्रॉपिकल रीजन में पाकिस्तान लोकेटेड है, इसीलिए पाकिस्तान में 4 सीजन है। पाकिस्तान जिस लेडीज एंड जेंटलमैन एडिशनली जिस तरह स्ट्रीमलाइन करें अगर हम, तो पाकिस्तान जिस तरह इधर लोकेटेड है, हमारे साथ ही इंडिया की लोकेशन है। बहरहाल एरिया के वाइज जो हमारा एरिया है वो एज कम्पेयर टू इंडिया हम बहुत कम है, और इंडिया का रीजन जो है उसकी जियोग्राफी बहुत ज़्यादा है, और वो भी इसी सब ट्रॉपिकल जोन में लोकेट करता है। और इसी तरह जब यहाँ से हमारे और उनके टाइम में 30 मिनट्स का डिफरेंस है, तो जिस तरह हमारे पास 4 सीजन है, इसी तरह इंडिया के पास भी, जो इंडिया है, इंडिया के पास भी 4 सीजन है। जिस तरह मूनसून की हवाएं यहाँ पर हमारे जो हिमालयन रीजन है वहाँ से स्टार्ट होके इस तरफ जाते हैं, तो ये कश्मीर से होते हुए आगे इंडिया में एंटर होती है। मूनसून जो इस साइड से आता है हमारे ईस्ट नॉर्दर्न रीजन से होके उस तरफ चला जाता है, इधर इसमें जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है सवात हो गया, चतराल हो गया, उस तरफ से जब आते हैं। चतराल तो खैर हमारा सेमी एरिड और एरिड जोन में आता है। बहरहाल जो इस तरफ जो सवात है और उसके उस तरफ इधर से आते हुए गलियात का रीजन है, फिर कश्मीर है, फिर ये आगे जो मूनसून की बारिश है और ये जो विंड लेयर है ये उस तरफ इंडिया को की तरफ मूव कर रहे होते हैं और इंडिया की तरफ चले जाते हैं। यही था आज का टॉपिक हमारा जो ग्लोब के ऊपर था। तो इंशाल्लाह इसी तरह के मजीद लेक्चर और इंफॉर्मेटिव लेक्चर को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।